29वें दिन भी जारी है रूस और यूक्रेन के बीच जंग। कीव में लड़ाई हुई तेज। नाटो ममालिक की आर्कटिक ट्रेनिंग ड्रिल। रूसी सेना के खिलाफ यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई तबाह की है। रूस के टैंक मारियोपोल में रूसी सैनिकों को घेरा। रूस यूक्रेन जंग के 29वें दिन यूक्रेन की फौज ने बैदियास्क पोर्ट पर किया हमला। हर तरफ तबाही, यूक्रेन का बड़ा दावा। बैदियास्क पोर्ट पर हुए हमले में रूस के जहाज तबाह। रूस के कब्जे में है बैदियास्क पोर्ट। चेर्निहिव में रूस की फौज के हमले से दहशत का माहौल। रूस की फौज ने तबाह किया यूक्रेन के फौजी हथियार। चेर्निहिव में भी रूस के बड़े हमले। यूक्रेनी फौज की तोपों पर रूस ने किया हवाई हमला। रूस के हमले से यूक्रेनी फौज को बड़ा नुकसान। बेल्जियम की दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में नाटो समिट में शामिल हुए अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन। रूस पर और सख्त पाबंदियां लगाने पर चर्चा। ब्रिटेन ने कई रूसी बैंकों के सरबराह समेत 59 लोगों पर लगाई पाबंदी। अमेरिका ने रूस पर लगाई सख्त पाबंदी। रूस के पॉलिसी मेकर्स डिफेंस कंपनियों समेत 400 लोगों पर बैन। बाइडेन ने कहा क्रेमलिन की पॉलिसियों से फायदा लेने वाले रूस का दर्द भी साझा करें। रूस के खिलाफ नाटो का सख्त रुख। नाटो चीफ ने कहा 4 नई फौजी टुकड़ियां भेजने पर मंजूरी। मशरकी यूरोप में और भी ज्यादा फौज तैनात करेगा नाटो। कहा मशरकी यूरोप के आसमान में दिखेगा नाटो के और भी ज्यादा तैयारे। चीन के वजीर खारजा वांग यी पहुंचे हिंदुस्तान। कल एनएसए अजीत डोवाल और वजीर खारजा एस जयशंकर से हो सकती है मुलाकात। कश्मीर पर बयानों को लेकर तनाजे के बीच वांग यी का दौरा अहम माना जा रहा है। न्यूजीलैंड अगले दो हफ्तों में अपने कई कोविड 19 पाबंदियों को हटा लेगा क्योंकि मुल्क में ओमिक्रॉन वेरिएंट का कमजोर पड़ चुका है। पीएम जेसिंडा आर्डन ने कहा कि अब लोगों को 4 अप्रैल से रिटेल स्टोर, रेस्टोरेंट और बार जैसी जगहों पर जाने के लिए वैक्सीनेटेड होने की जरूरत नहीं होगी। टीचर्स, पुलिस अहदेदार और वेटरों समेत कई सारे मुलाजमीन के लिए वैक्सीन की जरूरत को खत्म कर दिया जाएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन से कबल इस्तीफे की अटकलों को इमरान खान ने किया दरकिनार। बोले आखिरी गेंद तक खेलूंगा। पाकिस्तान में सियासी इल्जाम तराशी जारी। इमरान खान की पार्टी के लीडर ने ही लगाया इमरान पर बदउनवानी का इल्जाम। पाकिस्तानी मीडिया का इमरान खान को चैलेंज। इमरान खान इंतजाम को गलत साबित करके दिखाए। इमरान ने कुछ मीडिया घरानों पर लगाए हैं करप्शन के इल्जाम।